अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम कढ़ाई बनाएंगे। ये है 1 किलो गोश्त, इसको मैंने 2 किलो नमक लगाया है इसके ऊपर। यह है टमाटर 1/2 किलो और 1-2-3 मिर्चे। अभी हम पहले गोश्त को ऑयल में डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अभी इसमें हम इतना सा मिर्च और 1 लीमू, लहसुन, अदरक, लहसुन हम 3-4 से 5 अदद मतलब काट के कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये है 1/2 किलो टमाटर। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने टमाटर ऑयल में डाल दिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसमें लहसुन, अदरक, लीमू और मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी 1 चम्मच नमक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम इसमें कढ़ाई मसाला डालेंगे, चार से पांच चम्मच डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, वो नहीं कर सकती, इस वजह से। इसमें हम ये गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक रखेंगे हल्की आंच पर, ताकि ये गोश्त थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, से इफ्तारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।